हे गाइस, वेलकम टू एल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सेल का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल को डिस्कस किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। चलिए पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इंटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जो कि ये है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक होमोजीनियस एक्वस सोल्यूशन होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है उसे क्रिस्टा कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्या है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरी। देखिए, जो पर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो वेरी करता है, वो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है वो सिलेंड्रिकल है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर अप्रॉक्स 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज इसका बोले तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसकी अगर लेंथ की बात करें हम लोग तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया कि डबल बाउंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन, वो उसके ल्यूमन को डिवाइड करती है 2 एक्वस कंपार्टमेंट में, दो अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स, जो पीछे अभी मैंने बताया। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर द ऑर्गेनल्स। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो जो बाहर के ऑर्गेनल्स होते हैं उसके साथ कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रस्टी, जो मैंने बताया था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसी को ही क्रस्टी कहते हैं, टूअर्ड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साइड रहती है। इसके बाद बात करते हैं द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो क्रिस्टी है वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं इनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एरोबिक रेस्पायरेशन का साइट है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पायरेशन का साइट है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेलुलर है। ये सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सेलुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। मैट्रिक्स में और क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड कंपोनेंट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीज़न होता है वो फिशन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लियोनॉड्स। प्लास्टिड जो है वो सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं और यूग्लियोनॉड्स में पाए जाते हैं। दे आर ईजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, इनको ईजली ऑब्जर्व किया जा सकता है अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसको ईजली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। अगर उसको ऑब्जर्व करना है तो पहले उसकी स्टेनिंग ज़रूरी है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इसमें कई स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, इस वजह से जो आप प्लांट का कलर देखते हैं ना, कोई ग्रीन कलर का है, मतलब अलग अलग टाइप के कलरिंग प्लांट में तो होती है, वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं प्लास्टिड के वजह से होती है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट।
अगर प्लास्टिड को पिगमेंट के बेस पर हम लोग डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो उसको तीन पार्ट में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की पहले बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और आपको पता है वो ग्रीन कलर का होता है, एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में एक तो क्लोरोफिल होता है, दूसरा कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है जो कि लाइट को ट्रैप करता है, लाइट की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में एसेंशियल है। एंड द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, अभी क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, अब हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, उनमें फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटीन, जैंथोफिल, जो क्या करते हैं फैट ये प्रेजेंट होते हैं। दे गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट आ येलो, ये क्या करते हैं येलोइश पार्ट देते हैं, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट स्टोर्ड होते हैं, लाइक एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, जो एमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो में होता है। इसके बाद एलियोप्लास्ट, ये क्या करता है ऑयल्स को, फैट्स को स्टोर करता है। एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। देखिए ये डायग्राम है, सेक्शन व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम है। Majority of the chloroplast of the green plants are found in mesophyll cells of the leaves. जो leaves की mesophyll cells होती है, ज़्यादातर जो chloroplast है वो वहीं पर पाए जाते हैं। इनके shape की बात करते हैं तो ये lens shape होते हैं, oval shape भी हो सकते हैं, spherical भी हो सकते हैं, discoid और even ribbon like organelles हैं। इनकी length अलग अलग होती है, like 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विद इनकी 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती थी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इसी तरह से इनमें भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, अगर दोनों की हम लोग कंपेरिजन करें, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाई द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होता है, जैसे कि उसमें एक होमोजीनियस सोल्यूशन था माइट्रोकॉन्ड्रिया में जिसे मैट्रिक्स कहते थे, इसमें स्ट्रोमा होता है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थैलेकॉइड्स, और बहुत सारे इसमें फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं जिन्हें थैलेकॉइड कहते हैं। ये देखिए ये है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड आर अरेंज इन द स्टाक लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइंस कॉल्ड ग्रेना, और सिंगलर को ग्रेनम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, एक पिलर के रूप में, पाइल्स के रूप में खड़ा होता जा रहा है, बिल्कुल क्वाइंस के जैसे दिख रहा है, जैसे सिक्कों का ढेर होता है उसी टाइप का दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं ग्रेनम। और अगर इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, या फिर इंटेग्रेनल थैलेकॉइड्स भी बोलते हैं। इन एडिशन दे आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमेटा लैमली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेनम। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्ट्रोमा लैमली की। देखिए ये जो दो ग्रेनम हैं उनको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, जो अगर हम लोग ग्रेनम बोल दें या फिर थैलेकॉइड बोल दें, उसको कनेक्ट करने का जो वर्क करता है वो स्ट्रोमा लैमला करता है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन, जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है वो किससे इनक्लोज होती है, एक स्पेस से जिसे ल्यूमेन कहते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है उसमें क्या है, एंजाइम होते हैं। किस लिए एंजाइम होते हैं, जो
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसमें कैसे डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडर्ड थे। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट थे। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो थैलेकॉइड में पाए जाते हैं। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है किसके कंपैरिजन में, जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है। जो साइटोप्लाज्म में जो पाया जाता है राइबोसोम, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन जैसे सेल है या फिर प्लांट की सेल है या फिर एनिमल की सेल है, उसकी जो प्लांट सेल है तो पहले सेल वॉल होगी, फिर उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस होगा, फिर उसके बाद क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। वहाँ पर भी हम लोगों ने राइबोसोम्स की बात की थी, लेकिन वो कहाँ पर, वो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स की बात की थी। अब हम लोग यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स की बात करेंगे। राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट। सबसे पहले इसको किसने एक तरह से एग्जामिन किया था, जॉर्ज पैलेट ने किया था 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किससे मिलकर बने होते हैं, आरएनए से मिलकर बने होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जैसे कि अभी हम लोगों ने किसकी बात की, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की और प्लास्टिड की बात की, ये सभी मेम्ब्रेन इसमें होती है, लेकिन राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80S माइक्रो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ईच राइबोसोम्स हैज टू सब यूनिट्स। दो सब यूनिट होती है, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये पूरा एक राइबोसोम है, इसकी एक ये सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60 and 40। अगर हम लोग 80 की बात करेंगे तो एक 60 का होता है और एक 40 का होता है, जब ये कंबाइन हो जाता है तो ये 80S बनाता है। अगर हम लोग 70S की बात करेंगे तो एक 50S का होता है, दूसरा 30S का होता है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो 70S बनाएंगे। SS से क्या है, ये एक स्वेडबर्ग यूनिट है जो हमें क्या बताती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसे बोलते हैं। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी। ये क्या करता है, इनडायरेक्टली डेंसिटी का मेजरमेंट करता है और साइज का करता है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। दोनों दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक सब यूनिट से कोई नहीं होता है। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन। एन एलेबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। देखिए जो साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक माइक्रोफिलामेंट लाइक इंटरमीडिएट फिलामेंट लाइक ये सारी जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इनको ही सबको अगर कलेक्ट कर लिया जाए इसे ही बोलते हैं साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ये सारे इसके वर्क हैं। अब बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजुला की। सीलिया या फिर फ्लैजुला ये क्या है, आर हेयर लाइक आउटग्रोथ। जैसे हमारे बाल होते हैं ना उसी तरह से ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर।
सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है इन कंपैरिजन टू फ्लैजला विच वर्क लाइक ओर्स, जो ओर्स की तरह वर्क करती है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर ऑफ द सेल और सराउंडिंग फ्लूड। ये क्या करती है, या तो सेल की मूवमेंट करेगी या जो और भी सराउंडिंग फ्लूड होते हैं उसकी मूवमेंट का वर्क ये करती है। फ्लैजला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। मेन जो फ्लैजला होता है वो सीलिया से लॉन्गर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल मूवमेंट। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पजेसेस फ्लैजला, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजला, अगर आप कभी उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस ऊपर एक फ्लैजला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजला। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजला होता है वो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा डिफर करता है। कैसे, स्ट्रक्चरली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सीलियम और फ्लैजलम शोड दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे सीलिया और फ्लैजला की, तो हमें ये पता चलता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनियम, जो कोर होता है उसमें उसे एक्सोनियम कहते हैं। पजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जिसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सेस। वो कैसे रन करते हैं, पैरेलल तो समझते हैं ना, पैरेलल टांगिया, पैरेलल इस तरह से एक्सेस करते हैं। द एक्सोनियम यूजली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज एंड पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनियम में क्या होता है, 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। अगर हम लोग पेरीफेरल की बात करें तो उसमें 9 डबलेट होते हैं, और अगर हम लोग बात करें सेंट्रल में तो अ पेयर ऑफ सेंट्रल में एक पेयर होता है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनियमल माइक्रोट्यूब्यूल्स रिफर्स टू एज 9+2 एरे। ये 9+2 एरे का वर्क करता है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज, जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है वो ब्रिज से कनेक्ट होता है एंड ऑल्सो इनक्लोज बाय सेंट्रल शीट। किससे इनक्लोज होता है, सेंट्रल शीट से, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, जो एक ट्यूब्यूल से कनेक्ट रहता है ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स ऑफ बाय अ रेडियल स्पोक, जो एक रेडियल स्पोक से कनेक्ट रहता है। इस तरह से 9 रेडियल स्पोक होते हैं। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स, जो पेरिफेरल डबलेट्स होता है वो लिंकर से भी कनेक्टेड होता है। बोथ सीलियम एंड फ्लैजलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल, दोनों किससे इमर्ज करते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे बेसल बॉडीज कहते हैं। मेन जो फ्लैजला होता है वो निकलता ही कहाँ से, उसका बेस क्या होता है, बेसल बॉडीज से ही वो निकलता है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। जो सेंट्रोसोम है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। ये एमॉर्फस अलग अलग तरह से पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंड रहते हैं। बोथ द सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम लाई पेरिपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। जो देखो सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, अरेंज होते हैं परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करते हैं जैसे कि कार्ट व्हील होता है उस तरह से उन लोग वर्क करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबनल प्रोटीन। ये 9 जो ट्यूबनल प्रोटीन होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। वहां पर अगर हम लोग पीछे बात करें फ्लैजला और ये सब की, वो डबलेट थे और ये ट्रिपलेट है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट और ऑल्सो लिंक्ड, ये जो ट्रिपलेट है वो भी लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड द हब। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल का, प्रोक्सिमल सॉरी पार्ट होता है, वो प्रोटीनियस होता है जिसे हब कहते हैं। विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्यूल से कनेक्ट होता है। ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपल्स बाय द रेडियल स्पोक से, मेड ऑफ प्रोटीन। रेडियल स्पोक किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजला।
एंड स्पिंडल फाइबर डेट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। जब देखिए एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है, जो सेंट्रियोल होते हैं जो कि बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजला से निकलते हैं, वो एक स्पिंडल अपरेटर्स का वर्क करते हैं सेल डिवीजन के टाइम एनिमल सेल में। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्क्राइब किया था एज अ सेल ऑर्गेनेल, कब? 1831 में। बाद में इसे फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया क्रोमेटिन नाम देकर, द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस से आप क्या समझते हैं? मीन्स जब वो डिवाइड नहीं हुआ होता है तो उसे इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें क्या होता है? हाईली एक्सटेंड एंड एलोब्रेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, एक या एक से ज़्यादा स्पेरिकल बॉडीज पाई जाती हैं जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इसके बाद जब इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई तो पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो इन्वेलप्ड होता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, जिसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है और दोनों के बीच में स्पेस होता है। कितना स्पेस होता है? अप्रॉक्स 10-15 नैनोमीटर का स्पेस होता है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। फॉर्म्स अ बैरियर, जो एक बैरियर बनाती है, किसके बीच में बैरियर बनाती है? जो कि मटेरियल प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियस के अंदर भी मटेरियल होता है और न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म होता ही है। उन दोनों में बैरियर का वर्क कौन करता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस करता है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वो कंटिन्यूसली टच में रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसमें कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। और कई जगह पर क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप में, कि बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो आपस में मिलकर इसकी टू मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर्स एज द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो क्यों होते हैं? वो एक पैसेजेस का काम करते हैं, वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ताकि आरएनए और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट हो सके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और क्रोमेटिन होता है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोलाई है या फिर न्यूक्लियोलस है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। देखिए जो न्यूक्लियोलस के अंदर का जो कंटेंट होता है वो लगातार टच में रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म के। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इस वजह से। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये किसका साइट है? एक राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का साइट है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन द सेल। बहुत सारे लार्जर और न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल। सेल में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को कैरिंग आउट करने का वर्क करते हैं। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोजोम हैव नॉट स्टेनिंग। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रोमोजोम में स्टेनिंग नहीं होती है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन, एक कॉन्स्टेंट लोकेशन में, इट गिव्स द अपियरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल सेटेलाइट। उसे सेटेलाइट कहते हैं। एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, एक अपियरेंस को फॉर्म करती है जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, जिसे सेटेलाइट कहते हैं। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम है बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर। देखो ये जो पार्ट है इसे सेटेलाइट कहते हैं, इसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं, और ये जो बीच में है
क्रोमोसोम किससे, बेस्ड ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, मिडल में सेंट्रोमेयर है, यहाँ पर थोड़ा अपर साइट है, इस तरह से शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म बन रही है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या है? माइक्रोबॉडीज एक तरह से माइन्यूट वेसिकल्स हैं, जिन्हें माइक्रोबॉडीज कहते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, बहुत सारी जो मेम्ब्रेन है उसमें माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, जैसे कि पोर्स होते हैं उसी को वेसिकल्स कह सकते हैं, जिसे माइक्रोबॉडीज कहते हैं। डेट कंटेन वेरियस एंजाइम, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइक्रोबॉडीज बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों सेल में पाई जाती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारा कुछ भी आपको एफर्ट लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।